आईपीएल 2022 के 37वें मैच में लखनऊ ने मुंबई को 36 रनों से हरा दिया। मैच में एक बार फिर किरण पोलार्ड का बल्ला नहीं चला और वो 20 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। पोलार्ड को कृणाल पांड्या ने आउट किया। कृणाल ने जैसे ही पोलार्ड को आउट किया, एक मजेदार वाक्य देखने को मिला। मैच के आखिरी ओवर में पोलार्ड बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद ज्यादा दूर नहीं गई और दीपक हुड्डा ने कैच लपक लिया। पोलार्ड को आउट करने के बाद कृणाल इतना खुश हुए कि वो पोलार्ड के शरीर पर कूदते हुए उनके सिर को चूम लिया। हालांकि पोलार्ड ने ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं दिया। वेस्टइंडीज के इस बल्लेबाज का इस सीजन प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। वो एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए। मैच में पोलार्ड ने कृणाल पांड्या को भी आउट किया था और मजेदार रिएक्शन दिया था। मैच के बाद कृणाल ने पोलार्ड को लेकर कहा, मैं बहुत शुक्रगुजार था कि पोलार्ड का विकेट मिल गया, नहीं तो वह जीवन भर मेरा दिमाग खा जाते कि उन्होंने मुझे आउट किया है। अब वह नीच हो गया है, अब कम से कम वह बोलेंगे तो नहीं। कृणाल पांड्या और किरण पोलार्ड पहले मुंबई के लिए खेलते थे। दोनों ने मिलकर एमआई को कई मुकाबलों में जीत दिलाई है, लेकिन आईपीएल 2022 से पहले मुंबई ने किरण पोलार्ड को रिटेन कर लिया था। वहीं हार्दिक और कृणाल को टीम से रिलीज कर दिया था। हार्दिक पांड्या इस समय गुजरात के कप्तान हैं, वहीं कृणाल लखनऊ के लिए खेल रहे हैं। दोनों टीमें आईपीएल 2022 में शानदार प्रदर्शन कर रही है। वहीं सीजन एमआई अब तक 8 मैचों में एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।